जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज जो चर्चा हम करेंगे वो प्रचंड राहु प्रचंड होकर और अधिक शक्तिशाली किस तरीके से हो गए। 10 मई 2025 तक मीन राशि वालों का भाग्य एकदम से चमक जाएगा। जितना खोया है उससे दुगना मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, इन सभी विषयों पर पूर्णतया चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा राहु की चीज़ों को समझ लेते हैं। राहु कितने शक्तिशाली हो गए हैं, क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो देखिए राहु क्या है। राहु बहुत ही मायावी तिलिश्मी और प्रचंड शक्तिशाली ग्रह है। हालांकि इनके पास अपना कोई घर नहीं है, लेकिन ये जिस भी राशि में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उस राशि पति को अपने जैसा बना लेते हैं। पाप प्रभाव देने वाला। कलयुग में इनकी शक्ति और बढ़ जाती है, क्योंकि कलयुग भी पापी है, राहु भी पापी है पाप प्रभाव के। दूसरा क्या है कि कलयुग में चारों ओर औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले प्रदूषण ने, हमारे आसपास षड्यंत्रों ने, कलह ने इन्हें बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान कर दी है। नेटवर्क की तरंगें, देखिए आजकल हर हाथ में फ़ोन है 5G 4G, उसकी जो तरंगें हैं वो हमारे ही चारों ओर से निकलती हैं। तरंगों का कोई स्थान नहीं होता, सर्वत्र वो फैली हुई हैं। इस तरीके से राहु का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। राहु के पास शक्तियाँ कितनी होती है, मिनटों में किसी व्यक्ति को शिखर पर और किसी व्यक्ति को शून्य पर ले जाने का काम करते हैं राहु देव। तो राहु की इसी प्रभुत्ता को जानने के लिए हम हैं इस वीडियो में। देखिए राहु जो है स्वरभानु नाम का एक असुर था। असुर जो होते हैं बहुत ही द्वंद्वकारी होते हैं। जब देवासुर संग्राम हुआ, जब दैत्य और असुर के बीच कोई निर्णय नहीं हो पाया, दैत्य धराशायी होने लगे, तब देवों ने समुद्र मंथन का निश्चय किया। समुद्र मंथन के समय जब उसमें से अमृत निकला तो दैत्यों ने उसे छीन लिया, जिसके कारण भगवान विष्णु को मोहिनी स्वरूप धारण करके आना पड़ा। जब भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप धारण करके आए तब पता चला कि राहु जो है बहुत ही व्यापक है। राहु ने समझ लिया कि अब मुझे तो ये अमृत मिलने वाला नहीं। उसने क्षण मात्र में देवों के जैसे स्वरूप बनाया और देवों में जाकर बैठ गया, अमृत पान कर लिया। फिर उसके बाद सूर्यचंद्र ने देखा। इसके बाद की कहानी हम आगे यहीं पर छोड़ते हैं कि ये इतना मैंने इसलिए बताया था ताकि आपको राहु के बारे में समझा सकूँ। स्वांग करना, भ्रम उत्पन्न करना, लोगों के अनुसार बातें करना, ये सभी राहु के स्वभाव हैं। तो यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में राहु देव आपके लग्न में विराजमान हैं। लग्न में विराजमान होकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आकर ये आपके लिए बहुत ही अरिष्ट कारक कर रहे थे। किंतु अरिष्ट कारक करने का एक कारण था, ये मंगल के वृश्चिक नवांश में गोचर कर रहे थे। मंगल और राहु की तनातनी चलती है, ये एक दूसरे के स्वभाव में विपरीतार्थक होते हैं और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते। फलतः राहु आपको बहुत ही दुष्प्रभाव दे रहा था। किंतु अब राहु देव ने अपना नवांश परिवर्तन कर लिया है, ये तुला के नवांश में आ गए हैं। तुला के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शुक्रदेव। शुक्र कौन है, दैत्य गुरु। तो इस कारण ये अब गुरु के शासन में आ चुके हैं। जब ये गुरु के शासन में आ चुके हैं तो आपके लिए किस तरीके के प्रभाव निकल कर आएंगे। सबसे पहले ये लग्न में बैठकर, देखिए लग्न में आपको भ्रमित कर रहे थे, रास्ते आपके सामने थे किंतु रास्तों के प्रति इन्होंने आपको बहुत ही दिग्भ्रमित किया हुआ था। रास्ते जो थे आपको इधर उधर से निकलकर जो आ रहे थे परेशान कर रहे थे। आप समझ नहीं पा रहे थे कि कौन से रास्ते पर चलकर मैं सफलता की ओर जाऊंगा, और इसी अंतर्द्वंद्व में फंसकर आप गलत रास्तों का चयन कर रहे थे। किंतु अब वो सारी स्थितियां समाप्त होंगी। कोई भी
यदि आपसे मित्र भाव से आया किसी ने आपको जॉब ऑफर की, जॉब की अपॉर्चुनिटी प्रदान की, आपके मन में शंका पहले उत्पन्न हो गई, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठकर आपको शंकित बनाते हैं कि किसी भी रिश्ते के अंदर शंका करना आपकी स्वभाव में निहित हो जाता है। आपको दिग्भ्रमित करना, शंकित करना, ये सारी चीज़ें स्वभाव की विशेषता होती हैं। तो अब यहाँ से ये जब सारी चीज़ें समाप्त बिल्कुल नहीं होंगी, बल्कि इनकी निगेटिविटी में कमी आ जाएगी। जब ये कमी आएगी तो रास्ते आपके सामने साफ हो जाएंगे। जो धुंधलापन पड़ा हुआ है भ्रम का, जब भ्रम हटेगा तब आप रास्तों का चयन करके सही रास्ते पर जाकर अपने लिए जो मुकाम आप पाना चाहते हैं उस मुकाम को प्राप्त कर सकेंगे। पंचम दृष्टि ज्ञान भाव पर जाएगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि का स्वामी बना देते हैं राहुदेव। जब ये तीक्ष्ण और तीव्र बुद्धि का स्वामी आपको बनाएंगे तो आपके लिए स्थितियाँ जो है बहुत ही सुंदर बनाएंगे। देखिए, सामने वाले को समझकर उसके अनुरूप बात करना, यानी सामने वाले से यदि कोई कार्य आपका पड़ रहा है तो आप उसे अपना काम निकलवाने में माहिर हैं। अपने आइडियाज़ के द्वारा, देखिए इस समय रचनात्मक कार्य, आपके अंदर रचना की शीलता है, रचनाशील व्यक्ति हैं आप, तो रचनाओं के द्वारा देखिए इस समय पर आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कार्य करते हैं उसमें कोई नया आइडिया लगाकर उस कार्य को बुलंदी पर ले जा सकते हैं। लव लाइफ इस समय पर आपकी बहुत अच्छी चलती हुई देखी जाएगी, क्योंकि मैनिपुलेटिंग पर्सन हैं आप। अब यदि आपका कोई कार्य कहीं पर अटका हुआ था, उस कार्य को आप निकालने में माहिर हैं। स्टूडेंट्स वर्क पूर्ण फोकस के साथ अपनी पढ़ाई को करेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय शेयर मार्केट उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। सप्तम दृष्टि आपके व्यापार भाव पर जाएगी, तो व्यापार के लिए बहुत उत्तम है। इस समय जो लोग भी किसी भी तरीके से फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, रेडीमेड गारमेंट से जुड़े हुए हैं, सौंदर्य प्रसाधनों से जुड़े हुए हैं, लग्जरी चीज़ों का कारोबार करते हैं, या फिर किसी को बनाव श्रृंगार के प्रति बहुत ही आपकी उम्दा स्थिति देखी जाएगी। व्यापार में नए परिवर्तन आप करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि अहिर बुधन्या उत्तरा भाद्रपद के स्वामी होते हैं, और अहिर बुधन्या की जो आकृति है वो भी इसी तरीके से है कि किसी मृतशैया से निकलते हुए प्राण और वो प्राण दूसरे जीवन में प्रविष्ट करते हुए, इस तरीके की अहिर बुधन्या की जो ये आकृति है वो भी यही इंडिकेट करती है कि परिवर्तन आपके स्वभाव में होना चाहिए, कि चीज़ों को समझकर उनका अवलोकन करके कि कहाँ से आपको नकारात्मकता आ रही है, क्यों आ रही है, उसके अनुसार आप परिवर्तन करें। तब अहिर बुधन्या और राहु दोनों ही आपको बहुत ही ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। लव देखिए, दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्या आ रही थी वो समस्या इस समय पर दूर होती हुई दिखाई देगी। आपके जीवन से नकारात्मकता पूर्णतया समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ अगर चर्चा करें इस समय पर नवम भाव की, तो नवम भाव में देखिए आपके बहुत उत्तम स्थिति का निर्माण हो रहा है। नवम भाव भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। भाग्य इस समय पर पूर्णतया आपके साथ है। जो भी कार्य आप करना चाहते थे वो कार्य आपके पूर्ण हो गए, या पिछले समय में कई कार्यों के लिए आपने यदि प्रयास किया था वो प्रयास इस समय पर आपको फल प्रदान करेंगे। देखिए, बीज किसान खेत में बोता है, उसको अनाज में बदलने में लगभग 4 माह का समय लगता है। तो यही समझ लीजिए कि बीज आपने उस समय पर बो दिया था, इस समय पर आपके फसल काटने का समय आ गया, यानी कि हार्वेस्टिंग का समय है ये। तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थितियों का निर्माण हुआ है, चीज़ें आपके अनुकूल होती चली जा रही हैं। अब पिता का भी साथ मिलेगा, क्योंकि पिछले समय में पिता से भी अनबन हुई है आपकी, तो पिता का इस समय पर साथ मिलेगा आपको। पिता से सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। अब पिता के सहयोग और आशीर्वाद से सूर्य आपके बल प्रबल होंगे, तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो अब राहु को देखिए, जिनकी कुंडली में राहु नकारात्मक भाव से बैठे हैं, यही प्रभाव उनको नकारात्मकता के साथ मिलेंगे और बढ़े हुए मिलेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप नित्य प्रति 1, 2, 7, 11 माला का जाप प्रारंभ करें। नित्य प्रति करना है इस उपाय को। अंधजनों को भोजन कराएं, अपंग लोगों को भोजन कराएं, सफाई कर्मियों को कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए देते रहें कभी कभी, ये भी आपके राहु को शुभ करेगा। इसके साथ ही शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। पीपल वृक्ष पर सायं 9 बजे के बाद कभी भी घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। तो फिर आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल